नमस्कार दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर में आज की ट्रेडिंग सेशन में 2.8% की क्लियर आपको गिरावट दिखाई दे रहा है। तो उसी के साथ देखेंगे स्टॉक में एक रेड कैंडल बन रहा है, स्टॉक आपको कंटिन्यूस लेकर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में और भी तेजी आएगा, गिरावट आएगा तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिए दोस्तों। नोटिस कर सकते हो यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक हमने चार्ट को लगाया वीकली टाइम फ्रेम पर, आप देखेंगे तो स्टॉक आपको एक्जैक्टली एक ऑप ट्रेंड में कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिल रहा था। अब इसको ब्रेक डाउन करके स्टॉक नीचे आ चुका है, तो एक सपोर्ट लेवल था 55.54 का, इसको भी स्टॉक ने ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोजिंग दे रहा है। अब इसका अगला सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है यहाँ पे 37.55 में। दोस्तों जिस तरीके से आप देख रहे हैं स्टॉक एक्जैक्टली यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, तो बार बार अपने ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका सपोर्ट लेवल यहाँ पर नजर आ रहा है 37.5 का है, तो जब स्टॉक अपना ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा तो तेजी का मोमेंट रहेगा, लेकिन जब नीचे जा रहे मतलब कि ब्रेक डाउन करके नीचे जा रहे तो सपोर्ट लेवल को टच करने का संभावना हाई रहेगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखना सपोर्ट लेवल पर जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, और एक सपोर्ट लेवल भी आ जाएगा जो कि आपके नियरेस्ट में रहेगा, लगभग 46 या 47 का रहेगा। तो जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा अपना ट्रेल लाइन को, तो डेफिनेटली स्टॉक में तेजी का मोमेंट रहेगा। और रेजिस्टेंस की बात करें तो आप देखेंगे 61.7 का रहेगा और नेक्स्ट रहेगा हमारे सामने 72.5। दोस्तों सभी कंडीशन को एक्सप्लेन कर लिया है, फिर भी मन में कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो करके लाइक करें, आपकी छोटी सी लाइक मुझे इंकरेज करती है और भी अच्छे से स्टॉक को सिलेक्ट करके आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करने के लिए। स्टॉक में कोई भी बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज में है। सो धन्यवाद दोस्तों।